सर अपना परिचय दें। हाँ, मैं हाजी चौधरी सफराज, फूलों के ताजिए थे, इत्याजी फूलों का ताजिया है, आगरे का सबसे बड़ा माना है अभियान, उसका मैं चौधरी हूँ। और हमारे पुरखे भी कांग्रेस से जॉइंट है और हमने भी इसी कांग्रेस को और सफलता पहुंचानी है हमें। सर आज आपने जो कांग्रेस ज्वाइन की है उससे 2022 में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सकता है 2022 में क्या होने वाला है? इंशाल्लाह इस 24 में कांग्रेस आएगी इसके लिए। उम्मीद है आज जो आए हुए हम लोग अपना परिचय दें और जितने कांग्रेस ज्वाइन की है उसमें कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया? आज लगभग मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं मोहम्मद नासिर हुसैन, और आज लगभग शहर के जिम्मेदार साथी जो सपा बसपा से जुड़े हुए थे उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया, कांग्रेस सबने ज्वाइन करी है। और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं आने वाले टाइम में कांग्रेस आए और खुशहाली आए, तो देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था बीजेपी ने बंद कर दी है, ख़त्म कर दी है, आने वाले टाइम में खुशहाली पैदा हो, पहले ऐसे दिन पैदा हों। जब से ये नारा चलाया अच्छे दिन, तो अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे बुरे दिन आ रहे हैं 2014 के बाद में। तो हम ये चाहते हैं कि इधर उधर सरकारों ने हमारा बहुत इस्तेमाल करा, बहुत दुष्टीकरण करा, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को हम मजबूत करें। और सीएम जो के दावेदार हैं प्रियंका गांधी जी, उनको हम सीएम देखना चाहते हैं, उनसे बड़ा चेहरा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए अच्छी छवि में, और आर्यन लेडे हैं उनसे बढ़िया चेहरा जो कोई नहीं है। तो इसलिए लोग बाबू से गुजारिश करते हैं सब कांग्रेस को वोट दें। आपने जो आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है तो क्या उम्मीद है आपको, तो क्या कांग्रेस के लिए करेंगे? इंशाल्लाह आगे के लिए काम करेंगे कांग्रेस में, और हो सकता है कि 2022 में पूरी कोशिश है और कोशिश रहेगी आगे भी कि कांग्रेस मतलब 2022 के अंदर आए, काम करेंगे मिलके सब जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, और चाहते हैं कि जो कांग्रेस से उम्मीद है वो आगे उम्मीद कायम रहे। आज जो कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है और इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसके लिए क्या प्रोग्राम है आज? देखिए, वैसे तो मैनिफेक्टो कमेटी